फटाफट होम डिलीवरी ऐप 14 देशों में अपनी सर्विस के दम पर लोगों के दिलों पर राज करने वाली कंपनी जो अब आपके शहर सिवान में आ चुकी है। अब आप घर बैठे अपनी जरूरत की हर चीज होम डिलीवरी करा सकते हैं, जैसे राशन का सामान, रेस्टोरेंट से मनपसंद खाना, फास्ट फूड आइटम, गिफ्ट की आइटम, मोबाइल एसेसरीज, हाउस होल्ड आइटम और भी बहुत कुछ। इस सर्विस का फायदा उठाने के लिए अभी प्ले स्टोर से फटाफट लोकल डिलीवरी ऐप इंस्टॉल करिए और घर बैठे ही बेहतरीन सर्विस का मजा लीजिए। नमस्कार, सलाम दोस्तों, मैं हूं यासूब और आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज़। आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं गोपालपुर में हूं। आपको हम बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग 26 दिसंबर 2020 को हुई, जिसमें एक एजेंडा के ऊपर मोहर लगी। आपको हम बता दें कि राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए 103 नगर पंचायत बनाए गए, जिसमें सिवान ज़िले के 5 पंचायतों को शामिल किया गया, वो उन्हें नगर पंचायत घोषित कर दिया गया। उसी कड़ी में आज हम गोपालपुर में हैं। आप देख सकते हैं नगर न्यू नगर पंचायत गोपालपुर सिवान बिहार, उसी के कंडीशन में यहां पर अब नगर पंचायत के माध्यम से काम लगा हुआ है। आप देख सकते हैं काल के बाद नगर पंचायत में चला गया ये इलाका, इस पर आप क्या कहेंगे? कहना यही है कि जब तक पंचायत राज था सब काम वम हुआ, उसके बाद अब नगर पंचायत का काम आज से आरंभ हुआ है। इसके बाद अधूरे रह गए हैं, उसको कैसे आप लोग सपोर्ट? यही नगर पंचायत से सब पूरा किया जाएगा। अब इसमें अब धीरे धीरे अब काम चालू हुआ है और इंशाल्लाह ये सब काम पूरा होगा। नगर पंचायत से अब होगा, पंचायत राज तो ख़त्म हो गया। नगर पंचायत जब हुआ है तो नगर पंचायत के पदाधिकारी और सब कोई आया हुआ था, उन्होंने कहा कि काम आज से आरंभ कीजिए। महत्वपूर्ण है, हाँ तो सहयोग तो हम लोग हर तट पर खड़े हैं और करना ही है। नहीं तो हम लोग जब तक इलेक्शन नहीं हो रहा जब तक हम लोग हैं इसी में। चुनाव अभी तो होंगे नहीं, अभी में देर है, 22 में चुनाव होगा तो उसके पहले हाँ तैयारी भी करना है। उसमें हम लोगों को काम यही करते ही रहना है जब तक के मतलब चुनाव नहीं होता है। हम लोग इस पर हैं। आज से तो काम शुरू हुआ है नगर पंचायत का, कल से अब किस तरीके से और कुछ काम? कल से वही नगर पंचायत का जो सर सफाई का काम हुआ है, अब नाला वाला साफ होगा, जिस तरह पैसा आता जाएगा अपना काम होता जाएगा। आज से तो हम लोगों ने शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह धीरे धीरे काम बढ़ेगा। बताइए आप इस ग्राम पंचायत में पीड़ित के पत्र कार्यरत हैं जी, और ये अब नगर पंचायत बन चुका है, क्या कहना चाहेंगे? कहने का मतलब है सर कि मान लीजिए जब पंचायत राज का ढांचा था उसमें इस 5 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अपडेट हो गया है, नगर पंचायत न्यू नगर पंचायत हो गया है, तो अब अपना नगर पंचायत जो है डाटा एकत्र करके ढांचा उसको तैयार करेगी, नए सिरे से सर्वे करा के जो शेष कार्य है उसको ढांचा तैयार करके और नगर पंचायत कराएगी। आप एक सवाल का और जवाब दें कि नगर पंचायत बनने से क्या लाभ मिलेगा यहाँ के वासियों को? नगर पंचायत बनने से मान लीजिए कि सफाई अभियान, नाला वगैरह ये सब जो नगर पंचायत का कार्य होता है वो अपना कुछ सहूलियत है जो कि नगर पंचायत लोगों को मिलता है वो मिलना चालू हो जाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ की जनता बता रही थी कि महंगाई बढ़ जाएगी हर प्रॉपर्टी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो भी मान लीजिए कि सरकार रिवेन्यू लेती है तो पब्लिक को ही देती है, फिर तो उससे डेवलप होता है। तो हमारे मान लीजिए न्यू नगर पंचायत का गठन हुआ है तो इसी का ना डेवलप होगा, पब्लिक को और सहूलियत मिलेगा। पहले जो है ग्रामीण विकास विभाग से होता था कार्य, अब शहरी विकास से होगा तो शहरी विकास ज़्यादा धन उपलब्ध कराएगी नगर पंचायत को, तो ज़्यादा डेवलप होगा। फिलहाल कार्य आप ही लोगों के देखरेख में होगा? हम लोग सहयोग करेंगे, अभी तो जब तक चुनाव नहीं हो जाता है जब तक तो मान लीजिए कि पूरा अमली जामा नगर पंचायत पहनेगा नहीं, ठीक है। अमली जामा मतलब पूर्ण रूप से तो उतरेगा नहीं। हम लोग सहयोग करेंगे, जनप्रतिनिधि हम लोग सहयोग करते हैं, सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं, उस तरह से हम लोग सहयोग करते रहेंगे। यहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि लोगों का क्या कैसा सहयोग मिले आप लोगों के काम को लेकर? नहीं लोग तो सहयोग करते हैं, ग्राम जैसे कि हम लोग ग्राम पंचायत का कार्य कराते थे तो उसमें लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के सहयोग करते थे, अपेक्षा है इसमें भी सहयोग करेंगे। और यहाँ के पब्लिक बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, सहयोग करती है।
इसके लिए हम मान लीजिए बीते हुए ग्राम पंचायत का कार्यकाल के लिए धन्यवाद देते हैं कि लोगों ने सहयोग किया है और आगे अपेक्षा रखते हैं कि सहयोग करेंगे।